चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव आज जमानत पर जेल से रिहा हो जाएंगे। बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत का आदेश सिविल कोर्ट को भेजा गया। इस संबंध में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि दोपहर तक उन्हें जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया था। वहीं जब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो फिर उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया, जिसे बेल बॉन्ड की प्रक्रिया के दौरान जमा करा दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनंत कुमार ने कहा कि रंजन कुमार और अंजल किशोर सिंह मामले पर बेलर हैं। उन्होंने बताया कि रिलीज ऑर्डर जारी हो चुका है और यहां से बिरसा मुंडा कारागार के लिए रिलीज ऑर्डर भेज भी दिया गया है। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव 42 महीने तक सजा काट चुके हैं और फिलहाल एम्स में इलाजरत हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज होंगे या नहीं, यह पूरे तरीके से एम्स के डॉक्टरों पर निर्भर करता है। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गया, अब कोर्ट से जो है रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा के लिए 10 लाख रुपया फाइन था और 1 लाख का दो सिक्योरिटी जो बेलर है उनका देना था। RC 47A 96 टोंडा कोषागार से संबंधित था और इसमें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय से बेल भी बेलर में एक अंजल करते हैं, एक रंजन जी का पहचान करता मैं अपने फ्राइडे को तो ऑर्डर ही था, उसके बाद कोर्ट से कम्युनिकेट होता है, उसमें टाइम 2-3 दिन का समय लग ही जाता है। तो रिलीज बन गया, समुंदर जेल में जाएगा और क्या वहाँ से अपना कम्युनिकेट कर देंगे कि रिलीज ऑर्डर आ गया। हम लोग को फिलअप करना था, जो हम लोग को 1 लाख रुपए का दो बेलर देना था, वो हम लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिया है। उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर वेरिफिकेशन रिलीज ऑर्डर भी इशू हो चुका है कोर्ट से। और अगर बेलर की बात करें तो एक थे रंजन कुमार और दूसरे थे अंजल किशोर सिंह। अब ये तो यहाँ से सबसे पहले BMC जेल हटवार जाएगा। अब जेल सुप्रिंटेंडेंट उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं एम्स में, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल लालू जी कस्टडी में है और कुछ सिपाही भी हैं जो BMC जेल के उनके साथ है। अब उन लोगों को वो कम्युनिकेट करेंगे कि यहाँ से रिलीज आ चुका है, अब रिलीज कर दिया। न्यूज विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट।